आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। हाय गाइज, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए मुद्दे के साथ आते हैं और आज हम यहां पर लेकर आए हैं जनता की शिकायत प्रोग्राम। साथियों, ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, किसी भी भाई को अगर कोई भी शिकायत है और वो अपनी शिकायत जनता तक पहुंचाना चाहता है या नेताओं तक या पंच सरपंचों तक या फिर किसी को भी बताना चाहता है, आम जनता को बताना चाहता है, तो वो यहाँ आकर जनता की शिकायत प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है। तो आज हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनता की शिकायत प्रोग्राम। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई, जो कि नरेंद्र आसिया, हमारे गांव में आसिया रहते हैं, तो उधर साइड से हैं वो। आज यहां पर इस प्रोग्राम में सबसे पहला इंटरव्यू लेकर आए हैं और वो आपको यहां पे अपनी शिकायतें बताएंगे। उनको जो जो भी शिकायतें हैं सिस्टम से, राजनीति से, उसके बारे में हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनहित, राष्ट्रहित और समाज हित का होता है। हम यहां पर किसी विशेष पार्टी की ना तो बुराई करते हैं, ना किसी विशेष पार्टी की भलाई करते हैं, ना ही किसी विशेष समूह, ना ही किसी विशेष जाति के प्रति बात करते हैं। हम यहाँ पे, हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम यहाँ पे काम करें जनहित के बारे में, राष्ट्रहित के बारे में और समाज हित के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई साहब, वो भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो सभी को राम राम जी, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल तिरछी बातें में, जिन्होंने मुझे यहां बुलाकर जो जनता की आवाज़ है उसे उठाने का बीड़ा मैंने उठाया है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई साहब जी। तो यहां पे हम प्रश्न करेंगे और प्रश्न और उत्तर के ज़रिए हम समस्याओं का यहाँ पर निरूपण करने वाले हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। नरेंद्र भाई, मैं आपसे प्रश्न करूंगा और आपको उन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपके गांव में, आपका गांव सौंद है, और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं ये प्रोग्राम सौंद का है, नरेंद्र भाई सौंद गांव के रहने वाले हैं और मैं भी सौंद गांव का रहने वाला हूं, छोटे भाई हैं हमारे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि शमशान भूमि में जो शेड बनी हुई हैं, क्या सभी जगह लग चुकी हैं आपके गाँव में? शमशान भूमि की जो बात है, बंचारी रोड से आप जब सौंद में घसोगे तो शमशान घाट मिलेगा, तो शमशान घाट में जो टीन शेड है वो पिछले जो पंचायतें थी अब की भी हैं, किसी ने कोई काम नहीं कराया। एक लेंटर पड़ा था वहाँ लगभग 2 इंच की, उसमें मोटाई है, आंधी आती है वो हल जाता है। और जो बुजुर्ग हैं हमारे, कभी जैसे दुख में ही जाते हैं शमशान घाट में, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो धूप में बैठते हैं, छाया के लिए कोई प्रावधान नहीं है वहाँ पर, कैसा भी नहीं, कोई कमरा बना हुआ है, पेड़ों की छाया में बैठते हैं वो। तो मैं यही है, अगर कुछ करना चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन जैसे ठेकेदार हैं, ठेकेदार को उन्होंने ठेका दे दिया, उन्होंने बना दिया, तो पंचायत का ये कार्य था कि उसकी देख रेख के लिए वहाँ जाते, ठेकेदार ने अपनी मनमानी की है वहाँ पर और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। तो आप पंच सरपंचों से कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, उसे तोड़ कर दोबारा वहाँ टीन सेट डलानी चाहिए, और लेकिन जो पंचायत नहीं करती उन काम को, हमारी कमेटी आसिया पट्टी और ब्राह्मण सभा उसमें मिल करके अभी 5-6 घंटे जेसीबी चलाई, उसमें जोड़ से माटी लेकर उसका भर्त किया है, क्योंकि जो नाले का पानी है वो शमशान घाट में चढ़ चुका था, तो पैर रखने की उसमें जगह नहीं थी, और उसमें मिट्टी डलाकर उसे ठीक कराया, दुरुस्त कराया। तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया है आपकी पट्टी ने, आसिया पट्टी ने, मिट्टी डलवाई है और जो जर्जर कंडीशन थी उसको सुधारने का यहाँ पे प्रयास किया है। अजीत मास्टर जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, ये तो है जी हमारे मरेठन की बात, गांव में 2 मरेठा और भी हैं जी, एक लाल दस तरफ है जी, एक इधर हैं जी, तो नहीं तो किशन नंबरदार जी मरे जी माना पट्टी में से, तो बुजुर्ग आदमी थे, बारिश हो गई थी, नहीं तो उसकी कोई टीन सेट है, नहीं बैठने की व्यवस्था उसमें भी नहीं है, वो भी शमशान भूमि की जो हालत है वो भी ऐसी है ही। इधर थोड़ा विकास है, लाल दसवारी जो मरेठा हैं उनमें थोड़ा विकास है, पानी की टंकी का प्रयास किया गया है, पहले भी टीन सेट और बढ़िया वो बना दिया है, लेकिन एक कमी उसमें भी है अभी, वहाँ पर छाया के लिए जैसे बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं तो उनके लिए एक कमरा या वो हॉल होना चाहिए, तो वो तो प्रगति पर है, लेकिन ये दो हैं ये रुके हो रहे हैं अभी। तो जनता की शिकायत प्रोग्राम में शिकायत है आप लोगों से
जो पंच और सरपंच हैं कि जो शमशान भूमि होती है गांव के अंदर, शमशान भूमि की हालत थोड़ी सी दयनीय है, यानी कि कई बार तो सेड भी नहीं है कई जगह पे, तो और कई जगह पे पानी भर जाता है, तो इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और इनको सुधारा जाए, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गाँव की स्वच्छता का क्या हाल चाल है? आपका गाँव सौंद है, उसमें स्वच्छता के बारे में थोड़ा सा आप बताएँ। गाँव की स्वच्छता है जो चरमराई हुई है, यहाँ पर सफाई कर्मी है जो, वो जो दबंग लोग हैं उसके फ़ोन पर उसी के घर पर सफाई करते हैं, जो आम आदमी है गरीब आदमी उसके घर के सामने से कोई सफाई नहीं करता, और जो चौपालों हैं चौपालों के आगे आज भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ कोई सफाई नहीं होती, मनमानी करते हैं। मैंने तो लगभग 3-4 महीने हो गए सफाई कर्मी गाँव में देखे ही नहीं किसी भी जगह, तो मानो वो खो गए हैं, सफाई कर्मचारी गाँव में है ही नहीं। तो सफाई की जो व्यवस्था है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ आपको लग रही है, चरमराई हुई है। तो साथियों यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी अपना काम करना चाहिए रेगुलरली लगातार, और ये ना देखें कि किसी अमीर का घर है या कोई दबंग है उसके घर की ही सामने से ही सफाई की जाए, गरीब के घर के सामने से भी सफाई की जाए, और जो नॉर्मल रास्ते हैं जिनकी तरफ कोई देखता नहीं है उनकी भी सफाई की जाए। तो यहाँ पे पक्षपात को छोड़ा जाए और अपना काम पूर्ण रूप से किया जाए। अगला प्रश्न मैं करना चाहूँगा आपसे, बिजली पानी का कैसा बंदोबस्त है आपके गांव सौंद में? बिजली पानी की समस्या, बिजली की जो समस्या है वो इतनी खास नहीं है, क्योंकि बिजली के बिना आदमी रह सकता है, लेकिन पानी की समस्या, जो पानी की ऐसी समस्या बिना पानी के आदमी नहीं रह सकता, और जो हमारे पाइपलाइन आ रही है यहाँ से कार्बन बॉर्डर से वो रास्ते में फूटी हुई हैं, वहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो जाती है और नल जाने के बाद वो गंदगी पाइपलाइन में अंदर चली जाती है, तो उसके बाद जैसे नल आते हैं वो घरों में जाता है गंदा पानी पीने के लिए लोग बिल्कुल उस पर आश्रित हैं, गंदे पानी को पी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा उसकी समस्या जो वो हल की जाए, और जो बिजली की समस्या, बिजली 10-12 घंटे भी आ जाती है तो ठीक है, क्योंकि 24 घंटे आएगी तो बिल भरा नहीं जाएगा लोगों पर, क्योंकि बिजली तो काफ़ी महंगी है। सही बात है। और बिजली सस्ती हो जाएगी तो ठीक है, नहीं 24 घंटे नहीं दें तो ठीक है, 10 घंटे बहुत है बिजली। लेकिन जो नरेंद्र भाई साहब जो बिजली डिम आती है 12 घंटे ठीक है आ गई, लेकिन बिजली अगर डिम आती है तो 12 घंटे आ जाए कोई, जब आपका पंखा कोई फ्रीज या कोई सामान ही नहीं चलेगा तो 12 घंटे बिजली का क्या करोगे आप, इसके बारे में बताओ। हाँ जी, यही है, बिजली अगर 10 घंटे भी दें तो उसकी जो पावर सप्लाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के फ्रिज में पानी भी ठंडा नहीं होता, बिजली इतनी डमाती है, यहाँ पर ट्रांसफार्म वगैरह लगने चाहिए, ट्रांसफार्म कमी है, ये समस्या जब भी दूर होगी अगर बिजली की ट्रांसफार्म की सब हो जाएगी व्यवस्था। तो साथियों पंच और सरपंचों का काम ये होता है कि आम जनता का नेतृत्व किया जाए, लेकिन अगर पंच और सरपंच आम जनता का नेतृत्व नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे फिर उनको पंच और सरपंच बनाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर वो जनता का नेतृत्व नहीं कर पाते हैं तो वो पंच और सरपंच किस बात के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता की ही तरह हैं। तो अजीत मास्टर जी आप भी कुछ कहना चाहोगे बिजली के बारे में, क्या गांव वालों का कोई फॉल्ट होता है बिजली ना आने में? देखो जी, एक बार रामवीर महमर जी एक बार मुकेश दुकान पर 4-5 आदमी गाड़ी लेके आए, मान के चलो जी शिकायत करने चल रहे हैं बिजली बोर्ड में, तो जैसे भी गाड़ी लेकर आए तो 5 आदमी इकट्ठे ना हुए, गाड़ी में 4-5 ही आम हैं, 4-5 आदमी, हालांकि वो उससे ले जाते अपने पैसे से ले जा रहे हैं, अपने पैसे से लेके आते कुछ खवा पिवा के लाते, लेकिन 5 आदमी चलने के लिए तैयार ना आए, उसमें से कुछ तो ये बोले कि हमारा तो इन्वर्टर है वो, हमें क्या मतलब है, हमारा इन्वर्टर है वो हमें क्या मतलब, तुम जाकर इन्वर्टर ना मरो गर्मी में, तो मतलब ऐसी लोगों की भावना आए कि मतलब मेरे पाँव में कांटा लगे हो तो मैं ही निकारूँगा दूसरा निकाल रहे वो, तो अपने दुखते ज़्यादा सोचने स्थिति हैगी है, एक तरीका आता है कि दूसरे के संग चलना ना, जब एक आदमी चलने का तैयार है वह संग ही ना चल रही तो मैं बता कौन आगे बढ़ेगा फिर। तो यहाँ पे बात ये भी आती है साथियों कि निखालस यानी कि स्पेशल हम पंच सरपंचों के ऊपर भी नहीं डाल सकते, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना सहयोग दें। अगर बिजली बनवाने के लिए जाना पड़ता है लोगों को तो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे किसका फॉल्ट है, यहाँ पे हमारा भी फॉल्ट है, क्योंकि हम जब तैयार नहीं होते हैं तो फिर पंच और सरपंच कैसे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोगों को इकट्ठा करेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे नहीं, खामा खा की उनकी भागदौड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हमारा और आपका भी है, लोगों की भी कमी भी कह सकते हैं, और सबसे मेन कमी अधिकारी की,
लोगों के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मोदी सरकार है, नंबर दे रखा भाई, इस नंबर पर आप शिकायत करो, बिजली बोर्ड है, कोई भी है, लोग अपने घरों में रहो, यहीं से फ़ोन कर दो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बस मैं यही पूछना चाहता हूँ, लोगों की ज़रूरत क्या रहेगी, जब उन्होंने नंबर अप्रूव कर रखा है, उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो अधिकारियों की गलती है, लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। जब इतनी मोदी सरकार कह रही है, हमने इतनी सुविधा दे रखी है लोगों को, फ़ोन करो अधिकारियों की, एक दिन में दो दिन में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। सही बात, तो लोगों की तो इसमें कोई खास कमी भी नहीं है। तो यहाँ पे नरेंद्र भाई साहब जी, क्योंकि सब मिलकर साथ चलते हैं तभी विकास होता है, हमारे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे हम, जैसे आप कह रहे हो कि अधिकारियों की गलती है, हाँ हम मानते हैं अधिकारियों की गलती है, लेकिन उन गलतियों को सही करने के लिए प्रयास हमें सबको करना है और सभी को एक साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढना है। कई बार एक इंसान गलत है तो उसके ऊपर सारी गलतियों को थोप कर आप अपने कर्तव्य से भी नहीं भटक सकते हो। अगर कोई गलत है तो आप इकट्ठा होकर और पंच सरपंच को लेकर भी जाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि गलती है अधिकारियों की भी, गलती है पंच सरपंचों की भी, और गलती है जनता की भी, क्योंकि जनता को इस चीज़ का उपयोग करना है, बिजली और पानी का उपयोग जनता को करना है, तो जनता का भी फर्ज इतना बन जाता है कि हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, इतना सिर्फ उनको देखना है, करने वाले तो फिर भी ऊपर वाले ही लोग होते हैं। और पानी वालों की मनमानी है जी, देखो जी, जिस पे मतलब ये है कि कुछ भी थोड़ा बहुत पद आ जाए तो वो यूँ सोचे कि मेरे जैसा दुनिया में कोई ना है। रामायण में भी बात लिखी हो रही है कि ऐसा को जग माँ जग नाही, प्रभुता पाई ताही मत नाही, कि संसार में ऐसा कोई ना हो, आज तक ना होगा जब सत्ता आने पर अपनों मतलब अभिमान ना आया हो। तो छोटी सी पदवी के वे जो जाने कि मैं ही मंत्री हूँ, लेकिन है कुछ ना भाई, पर यह है कि जनता कहना है तो वे अपनी मनमानी चला में आधे से अपने काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, मंत्री भी और छोटे मोटे पद वाले डिशिएट पर लगे हैं ये भी, और आधे मनमानी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे गाँव में नल वाले हैं, इधर चलेंगे मतलब ये कि फुल नल भरने के बाद भी पानी री तो चलता रही है, ना कोई छुट्टी को इंतजाम है ना कुछ, और कैसे ऐसे चार चार दिन तक नल ना जा रहे कहीं के, तो ये ना इंसाफी एक तरीका थी। तो ऐसा भी मतलब सरकारी कर्मचारी ने या कोई भी है कई पद पे हैं तो वहाँ को गलत इस्तेमाल ना करना चाहिए, ये मेन कमी है जी, बिजली वाले की भी और उसकी भी, पानी वाले की भी। तो वैसे तो चलो काम अपना सुचारू रूप से लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि पानी की भी कमी है ऊपर से, अब अपनी मनमानी करना ये मतलब नाजायज है, कि मतलब यह कि अगर मुँह पर कोई पद आ जाए तो मैं वहाँ को गलत इस्तेमाल ना करूँ, ये मतलब मेन उद्देश्य है मेरा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी को अपने अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जिसकी जिम्मेवारी पानी की है उसको अपनी जिम्मेवारी पूरी निभानी चाहिए, और जिसकी जिम्मेवारी बिजली की है उसको भी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी कम आता है, सौंद गाँव में एक ही लाइन है, तो उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें ये भी थोड़ी सी यहाँ पर कमी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरी साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर तीसरी साइड में, फिर चौथी साइड में, तो इस तरह से भी थोड़ी सी ये परेशानी हो जाती है। और मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि पानी की तरफ थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, जनता को प्यासा ना मारा जाए। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा नरेंद्र भाई साहब जी, आपके जिला पार्षद ने आपके गांव के लिए क्या क्या काम किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहली बात तो ये जी, मैं जानता हूँ जिला पार्षद को, लेकिन आज सौंद के जो युवा हैं 80% लोग नहीं जानते हमारा जिला पार्षद कौन है। बिल्कुल सही बात, चंदन सिंह बुलमाना जी हैं, जीरो नथिंग, एक मतलब एक रास्ता भी उनका नहीं बना, रास्ता बना भी है तो उस पर ही ब्लॉक मेंबर दावा कर रहा है ये रास्ता मैंने बनाया है। एक बार उन हमारी मुलाकात हुई थी जिला पार्षद से गंगा जी में, मेरे मित्र नरवीर जी, मैं दोनों मिलकर उनसे बात की, तो उनसे कहा भाई गांव में आप किसी रास्ते को नहीं बनाते, गाँव में आते भी नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि वो रास्ता मैंने बनाया। फिर गाँव में गए हम तो गांव में एक ब्लॉक मेंबर ने बोला ये मैंने बनाया, उसी रास्ते पर पंचायत दावा कर रही है, ग्राम पंचायत, ये मैंने बनाया। अब ये समझ में आ रहा है किसने बनाया है, तो ऊपर से ऊपर सब अपना श्रेय लेना चाहते हैं एक ही रास्ते पर। सही बात, तो मैं यही कहना चाहता हूँ जिला पार्षद का तो कोई काम नहीं है ऐसा कोई विशेष। तो जिला पार्षद जी अगर आप सुन रहे हो तो आपसे शिकायत है जनता की कि आपका ज़्यादा योगदान नहीं रहा है आपके इन इलेक्शन में, इन चुनावों में जो आपका कार्यकाल बीता है, और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें और जनता के काम आएं, क्योंकि आपका काम होता है नेतृत्व करना जनता का, और अगर आप नेतृत्व ही नहीं कर पाते हो और अपने काम को नहीं कर पाते हो तो आपका जो
पद पर रहने का जो काम है वो व्यर्थ है। थोड़ा सा आपको यहाँ से जानना होगा, लोगों की मन की इच्छा भी जाननी होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन रास्तों और नालियों से, पंच और सरपंचों से और जिला पार्षदों से ये कहना चाहता हूँ कि रास्तों और नालियों से थोड़ा सा उभर कर आएँ, बाहर निकल कर आएँ। और भी बहुत सारे काम हैं, गांव के अंदर स्टेडियम है, गांव के अंदर व्यायामशालाएँ हैं, गांव के अंदर जो लाइट की सुविधा होनी चाहिए वो भी है, गांव के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, बारात घर है जो गरीब लड़कियों की शादी हो सके, तो और चीज़ों पर भी निखर कर आएँ, सिर्फ नालियों और रास्तों में ही ना लगे रहें और अपना कार्यकाल नालियों और रास्तों में ही न व्यतीत कर दें। तो हमारी आपसे गुजारिश है, और भी बहुत सारे काम हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, फिलहाल गांव में डेंगू मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानियां बांटी जा रही हैं, क्या ये एक सटीक कदम है? ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है मलेरिया से बचने के लिए, लेकिन इसमें भी बहुत राजनीति हुई है। सब लोगों को पता है भाई, किसी के पास पर्ची 6 मच्छरदानी की है, उसे 10 मिल रही हैं, और राजनीतिक लोग वहाँ अपनी दबंगे दिखाकर 20-20 मच्छरदानी अपने अपने चहेतों को दे रही है वहाँ पर। और मान लो सरकार ने 10,000 मच्छरदानी सोंदक में वितरित की हैं, तो 10,000 की पर्ची होनी चाहिए, और इनका सिस्टम बहुत गलत था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हुआ। जो हमारे आशा वर्कर हैं, वार्ड की आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके पास पर्चियां थी, तो उनके पास ही मच्छरदानी आनी चाहिए थी। वो या तो फ़ोन करके या टाइम देके 5 आदमी को, भाई 5 तुम कल ले जाना, 5 परसों ले जाना, इस हिसाब से सेटिंग होती। तो जैसे स्कूल में एकदम भीड़ उमड़ पड़ी गांव में, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल उल्लंघन है जी। तो जो ये मच्छरदानियाँ बांटी जा रही हैं, ये सिर्फ इसलिए बांटी जा रही हैं कि अब बारिश का मौसम है और बहुत सारे मच्छर लोगों को काटते हैं और बीमारी होने का खतरा है, डेंगू और मलेरिया। तो साथियों, यहाँ पे जो ये चर्चा है कि किसी को तो 7-8 मिल रही हैं जबकि उसके पास पर्ची भी नहीं है, और जिसके पास पर्ची है उसको अपनी एक भी नहीं मिल रही है, उससे कह दिया जाता है कि आज मच्छरदानी ख़त्म हो गई। तो साथियों, यहाँ पे जो मच्छर हैं वो ये देखकर आपको नहीं काटेंगे कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, या फिर अमीर हैं तो आपको ज़्यादा मच्छर काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर किसी को भी काट सकते हैं, और मच्छर के काटने से कभी भी किसी को भी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे समानता को लाएं, समानता के हिसाब से अपना काम करें। इस तरह की जब शिकायत मिलती है तो थोड़ा सा दर्द होता है जनता के दिल में, और फिर थोड़ा सा एक हीन भावना बन जाती है कि किस तरह से ये नेता और जो पंच लोग हैं काम करते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा फिर लोगों के अंदर आक्रोश आ जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपना काम ईमानदारी से करें, कोई भेदभाव ना करें, और एकदम परफेक्ट काम करके चलें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो भी आपके काम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप आज आप अच्छा काम करते हो तो फ्यूचर भी आपका अच्छा रहेगा, अगर आज आप कोई त्रुटि निकाल देते हो अपने काम में तो आपका फ्यूचर भी खराब ही होने वाला है, त्रुटिपूर्ण ही होने वाला है। अजीत मास्टर जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, एक बात हो रहा है जी, जैसे कि मतलब आप नरेंद्र भाई साहब बता रहे हैं कि मनमानी चल रही है, दबंग लोग चला रहे हैं, ठीक है, हमें पता हो, सबन पता हो, जनता को पता हो या बात की, लेकिन इतनी कह रहा हूँ भाई साहब, वे मच्छरदानी रिश्तेदारी में भेज जाएंगी, कोई बिरला आदमी ही उसे यूज करे वो, और नहीं तो वे जो गठरियाँ बंद के आ रही है, भात की सी गठरियाँ जो आ रही है उनकी, वे अपने अपने रिश्तेदार में पहुँचाएंगे। तो वहाँ पर तो यूज कोई ना करेगा, यूज तो बहुत कम करेंगे जी, कह देंगे मच्छरदानी है, क्यों ना गरीब लोगों को, हाँ क्यों ना, मतलब जिनको हक है उतनी ली जा, और जितना आगे सरकार दे रही है उतने यूज करें, जब मिल तो रही है वो दो, और मैं जया घुस जाऊँगी 4 लूँगा, ये कहाँ की राजनीति है? दबंग नेताएं झींगरा बस्ती चल रही है, लेकिन सरकार अगर जो कहते बोले 4-3 नाम 4 ही मिलेंगी, जो कह दें ख़त्म है कि उनने पहुँचा दिया अपने अपने चाहिए थे, मास्टर जी वाली बात है, जैसे 5 हैं 10 ले गए, लेकिन मैंने बोला उनकी तो कमी रहेगी, जो उनकी और पर्ची बनी पड़ी है उन तो जो कहना कल लाइय परसों आई हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, सटीक कदम उठना चाहिए मेरे विचार से। तो हमारी आपसे यही अनुरोध है कि अपना कार्य ईमानदारी से करें, और इस तरह से जनता के अंदर मतलब भेदभाव ना किया जाए। अगला प्रश्न, आपके गांव के पूर्व सरपंचों और नए सरपंचों की कार्यशैली के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, जो पूर्व सरपंच थे और जो वर्तमान सरपंच भी रह चुके हैं, उनके बारे में, जो पूर्व सरपंच थे वो भी रास्तों पर अटके रह गए, और जो फिलहाल के रहे वो भी रास्तों से ऊपर उठकर कोई काम, जैसे सामाजिक सामूहिक काम होता है जिसे सभी यूज करते हैं, जैसे बारात घर है कोई सरकारी, और भी चीज़ें हैं जिसे सब
यूज में ले सके, सब जातियां सब धर्म ले सकें, लेकिन रास्तों पे ही वो सीमित रह गए। एक रास्ता है सूरजगुंड बंदर से गांव की तरफ जाता है, 20 साल से उस रास्ते पर एक ईंट नहीं लगी, और एक रास्ता है दूसरे थोक में, तो वहाँ पहले सीमेंटेड बना हुआ था, पूर्व के सरपंचों ने सीमेंटेड के रास्ते पर भी लॉकिंग वार ईंट लगा दी थी, जबकि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी तो सूरजगुंड वाले रास्ते, आज भी वो कीचड़ भरा हुआ वहाँ वो बन जाता, लेकिन इनकी मनसा वहाँ काम करने की थी नहीं। ऐसे ही अब के जो फिलहाल की पंचायत है उसमें भी ऐसा हुआ है, उस गिरारे की तरफ किसी ने भी नहीं देखा, अनदेखी कर रहे हैं। तो ये सवाल मेरा क्यों क्यों मतलब वो छोड़ा गया, वो रास्ता बनने से क्यों छोड़ा गया, उस पर काम क्यों नहीं किया। तो साथियों, पक्षपात ना किया जाए, यही हमारी यहाँ पे आपसे प्रार्थना है, और यही लोगों की आपसे जनता की शिकायत है। जबकि वो रास्ता ब्रज परिक्रमा मार्ग के अंदर आता है, ब्रज परिक्रमा मार्ग चलने वाली है लगभग 1.5 महीने बाद, कोरोना की वजह से शायद स्थगित हो जाए तो कह नहीं सकता, मलका महीना बोलते हैं जैसे वो है, तो वो रास्ता है ब्रज परिक्रमा के अंदर आ रहा, उसमें भी लाइट लगेंगी, आर ओ प्लांट लगेंगे, अभी एक प्लांट लगा है वो भी 2 साल हो गए, जब लगने चाहिए तो अब भी पेड़ लगेंगे, कुर्सियाँ गिरेंगी, नहीं तो पूर्व सरपंच ने एक भी पूरे गांव में बता दो कुर्सी पड़ी हो बैठने के लिए, आराम करने के लिए, जो चौराहे पर रहती हैं, एक भी प्रवेश द्वार बता दो, प्रवेश गेट, जैसे गांव सौंदा आपका हार्दिक स्वागत करता है, और गांव में देखे हैं मैंने, लेकिन नहीं तो पूर्व पंचायत नहीं अब की पंचायत ने एक भी कुर्सी नहीं डाली। मैं यही पूछना चाहती हूँ, मतलब ये सौंद के लिए कुर्सी क्यों नहीं आती, और गांव में चले जाओ, मित्रौल चले जाओ, मानपुर चले जाओ, बहिन चले जाओ, चमन एरिया बना हुआ है, मतलब हमारा गांव इतना पीछे क्यों है, जबकि हमारे गांव में 9,000 वोट लगभग हैं, इतना बड़ा गांव है, 10,000 ऊपर तक भी सबको पता है, लेकिन पता नहीं काम क्यों नहीं होता। ये मैं यही पूछना चाहता हूँ, मतलब पीछे क्यों रह जाता है गाँव। सही बात है। और दूसरी बात गुरु जी, हमारे गाँव में पंचायत विकास सन 68 से चल रहा है जी, 68 से अब तक पंच मेंबर सरपंच सब रहे हैं, आज तक हमारे गांव के गरारे ही नहीं बने, कोई रास्ते ही पक्के ना हुई, एक गरारे हैं जो हमारे रास्ते हैं अधूरे पड़े हैं, लगभग 50% गरारे बन चुके हैं 20 साल से देख रहे हैं हम, और अभी भी 50% पड़े हैं, वो गंदगी के ढेर हैं, कीचड़ जमा हुआ है, हल्की सी बारिश पर ही गंदगी बन जाती है। और दूसरी बात ये जी, ना कोई लाइट की सुविधा है आप बता रहे हैं, ना कोई वैसे तो पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, सरकार बता रही है कि पेड़ पौधे लगाओ जाते हमारा पर्यावरण शुद्ध बने, और वे किसी भी रोड पे किसी भी फिरकी में कोई कैसे पेड़ पौधा नहीं है, और जबरन मतलब वो काम करे जा रहे हैं, मतलब ये कि गुटबंदी थे जैसी राजनीति होनी ना चाहिए, ऐसी राजनीति हमारे गाँव की बनती जा रही है आजकल खींचा। तो हमारी आपसे यहाँ पर निवेदन है, पंच सरपंचों से भी, जो पूर्व के सरपंच और पंच हैं और जो अब के पंच और सरपंच हैं, देखिए आपके पास गांव और नालियों का काम था सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादातर यही काम था, वो भी आपका अभी पूरा यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। और रही बात दूसरे कामों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक काम से काम नहीं चलता है, और हमेशा आप अगर एक ही काम पर टिके रहोगे और वो काम भी पूरा नहीं होगा तो कब तक आप जनता को बहाने बनाकर जनता से वोट लेते रहोगे कि हम अगले योजना में आपका ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे, लेकिन योजनाएं निकल जाती हैं और जनता के काम पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं। ये बात आप भी जानते हो और सारी जनता जानती है, और जनता की शिकायत प्रोग्राम में यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने एरिया के थाने तहसीलों के बारे में क्या कहना चाहोगे। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है, आज तहसील में चले जाओ आप, मान कर चलो रजिस्ट्री करा रहे हैं आप, तो रजिस्ट्री कराने के बाद जो तहसीलदार का क्लर्क होता है, डायरेक्ट तो आप तहसीलदार से मिल नहीं सकते, मानसर खड़े कर रखे हैं उन्होंने, और मोदी दुहाई देता है, मोदी सरकार दुहाई देती है, कल आप अधिकारी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती उनसे। क्लर्क बोलता है साइन के 1500 रुपये लगेंगे, तहसीलदार साइन जब करेगा तो उसके बाद वो नहीं कराता साइन रजिस्ट्री वाला, जैसे रजिस्ट्री करानी है तो वहाँ ऑफिस में तहसीलदार भी नहीं है, फिर भी वो पैसे मांग रहा है, साइन क्लर्क की करता है, तहसीलदार नहीं होता जब भी, और उसके काम जब भी चलते हैं, मतलब साइन तो होने चाहिए तहसीलदार के, लेकिन क्लर्क कर देता तहसीलदार के साइन। दूसरी बात, पटवारी के पास जाओ, पटवारी का जो सेवक है सहायक है
उसके साइन चल जाते हैं, पटवारी जी नहीं हो जब भी चल जाते हैं, बिना पैसे के वो करते नहीं हैं। थाने तहसील की बात, थाने में अगर आप जाओगे भाई दो गुटों में झगड़ा हो गया और उनका राजीनामा हो गया, तो उसके बाद भी जो राजीनामा लेके जाते हैं ना, तो पुलिस वाले फ्री में लेते नहीं हैं, उसको 5 से 1000 रुपये लेते हैं। वो किस बात के हैं मुझे ये बताई जाए, चाहे उसकी लिस्ट लगाई जाए थाने के बाहर, राजीनामे कितने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, खुल्ला में लो फिर, दबका चोरी क्यों ले रहे हो, जो जनता को पता पड़ जाए भाई क्या रेट चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही सवाल। तो साथियों, थाने तहसील वालों से जनता की शिकायत ये है कि जो भी काम करना खुल के किया जाए, जनता को परेशान ना किया जाए किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालातों में। हाँ जी, और दूसरी बात ये है जी, जो मतलब ये है कि जैसे अभी हमारा थाना है जी, पहले होटल था जी, उसके बाद ये मुनकटी पहुँच गया है, तो हमने लोगों ने मेन आदमी ने मुद्दा उठाया हो कि हमारा जो थाना है बदले ना, लोग बाग सोचे नहीं है कि मतलब ये है कि हमारा थाना यहाँ से उठ के वहाँ चले गए, और मैंने कदम भी उठाया, कई आदमी ने कहीं भी लोगों ने समझाए भी है, मैंने कि दूर है हमारा थाना, तुम्हें चेष्टा करो, लोगों ने कही भाई तेरो ही थोड़ी है सबको है, तो मतलब जो सोचे भाई मेरा काम ना जो या को है दूसरे को है, अगर ऐसे ही सब कोई सोचने लगे तो मैं बता आगे कौन बढ़े, वो पहला कदम तो यही उठाना चाहिए, जाकर मतलब नीम की ईंट पे ही तो सब महल टके हो रहे, वहाँ निकाल तो नहीं चाहते, सब महल ढहस में सजाए, तो जो आगे बढ़ना चाहे वह भी ग्राम है कि मतलब भाई हमारा मतलब नहीं है, तू जाना तेरे काम जाना, ऐसे मतलब पतली गाड़ी तो निकल लें, तो यूँ लोगों की गलत सोच है। अगला प्रश्न मैं करना चाहूँगा, गौ माता की सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद मैं गौ रक्षक वालों को देना चाहता हूँ, जो दिन रात मेहनत करके उनकी रक्षा में लगे हुए हैं, और उंगली उठाता हूँ कानून पर। मान को चलो उन्होंने एक ट्रक पकड़ लिया, ड्राइवर पकड़ लिया, उसे हवालात में डाल दिया, परसों उसका जमानत हो जाता है, वो फिर करता है इस धंधे को। जब तक ठोस कानून नहीं बनेगा ये नहीं रुकेगा, ये मसला है ना जो गौरव, ये नहीं रुकेगा, तो इस पर कोई कानून सख्त से सख्त बने, ये नहीं किताबों में ही छप के रह जाए कानून, भाई 5 साल की सजा है, 5 लाख का जुर्माना है, किताबों में चाहिए, ऑन द सपोर्ट होना चाहिए ये। तो गौ को हम माता मानते हैं जो हिंदू लोग होते हैं, और अगर हमारी माता को इस तरह से ले जाया जाएगा ज़बरदस्ती कत्ल करने के लिए, तो बहुत ही बुरा लगता है साथियों, ये आप मान सकते हो, उसके ऊपर बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को, और हमारे गौ रक्षक दल हैं वो अपनी जान देकर भी गौओं की रक्षा में के कार्य में लगे हुए होते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, और हमारी सरकार को भी कदम उठाने चाहिए गौओं की रक्षा के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से ही कहा जाता है कि गौ माता का दूध पीने के बाद उसको घर से बाहर ना निकाला जाए, उसको अपने घर में ही रखा जाए, उसकी सेवा की जाए। आप घर से बाहर निकाल देते हो, उसका हरण हो जाता है, और फिर गौ कसी में वो पहुँच जाती है, तो यह भी एक मरम की बात है। तो यहाँ पर सबको समझना होगा, आपको भी समझना होगा, हमको भी समझना होगा, और सरकार को भी समझ कर चलना होगा, तभी एक सुदृढ़ समाज की यहाँ पर सुदृढ़ समाज का निर्माण हो पाएगा। अगला प्रश्न मैं करना चाहूँगा, मंत्रियों की कथनी और करनी में आपको कोई फर्क मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है? जी फर्क पड़ता है, मालूम स्पष्ट है। जब इलेक्शन आता है, घोषणा पत्र होता है उनका, भाई बेरोजगार को घर बैठे 5000 रुपये, पेंशन धारकों को 5000, इनको 5000, और भी हैं कई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई होता नहीं है, केवल उनके घोषणा पत्रों में होता है और वो लागू नहीं होता है। ये 5 साल वैसे निकाल देते हैं उसको, और जो उनके काम है, पहली सरकारों के काम है, आधे अधूरे रह जाते हैं, उन पर ही लड़ते रहते हैं। आज आप होटल चले जाओ, होटल पुलहाना मोड़ पे पानी भरा हुआ है, हल्की सी बारिश पानी जम जाता है, और थाने के पास वहाँ कम से कम 2-2 फुट पानी जम जाता है। मतलब सरकार के पास इतना भी सिस्टम नहीं है क्या, अधिकारियों को समझा कर, नगर पालिका वाले को समझा, पानी की समस्या है, ये जो गंदा पानी इकट्ठा होता है इसकी समस्या का हल हो जाए। बिल्कुल, तो समस्याएं बहुत सारी हैं और ये हल होना चाहिए इनका, और ये हल तभी होगा जब लोग प्रयास करेंगे, मंत्री और जो भी हमारे ऊपर पद पे होते हैं वो सब प्रयास करेंगे। तो ये भी नहीं कह सकते, बल भाई सरकार हमारी नहीं है, ऊपर किसी और की है। इससे पहले विधायक कह देते थे भाई, कांग्रेस का विधायक था, सरकार बीजेपी की, बोल देते भाई मेरी नहीं चल रही सरकार, अब तो हमारा विधायक सरकार का, मुख्यमंत्री सरकार की, और हमारा प्रधानमंत्री, पूर्ण रूप से सारी सरकार काम करो भाई। एक बात और गुरुजी, सही बात, जैसे कि हमारे नाले में जो बंचारी से जो नाला आ रहा है गांव तरफ, और बड़ा नाला बंचारी वाला, इसमें कुछ दिनों के लिए पानी बंद था जी,
नहीं आया था, तो गांव सोंद से और बंचारी से और इधर उधर से कई लोग इकट्ठे होकर गए थे कृष्णपाल जी के पास। तो कृष्णपाल जी ने क्या कहा था कि भाई मैं आप लोगों को नहीं जानता, आपने वोट दिए मोदी को। अच्छा, मोदी जी को। हाँ जी, ये भाई साहब ये है और मतलब सबको पता है, ये थोड़ी है जनता देख रही है, सबको पता है। उसने कहा था कि मोदी जाने और तुम जानो मैं वोट ना दे तुमने, तो मोदी तो बात करो डायरेक्ट। हालांकि ये बता रहा हूँ कि अगर हम वहाँ वोट ना देते तो वो जीत कैसे जाते भाई, ये बताओ। अगर मैं इन भाई साहब ने वोट ना दूंगा तो ये सांसद बनेंगे, आप मंत्री बनेंगे। तो मतलब ये है कि ऐसे लोग जो मतलब ये है कि मंत्री हमारे समाज में है जाएंगे, जो अपने ग्रांटर ने भी दूसरी जगह बेच जाएंगे, तो मैं बताया देश को भला है जाएगा। हमारे देश के सरपंच भी अगर एक या घर में सरपंच बन गए, वहाँ की 3 या 4 पीढ़ी तक नौकरी ना करेंगी। और अमेरिका जैसा जो देश है, जो अमेरिका बराक ओबामा राष्ट्रपति रह लिए, आज वे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बराक फैक्ट्री में, वे विकसित देश है। जब हम अपनी झोली भरने में ना आएगी तो हम जनता क्या भलाई कर देंगे और जनता के मुंडे पर क्या जवाब दे देंगे। तो हमें सोचना चाहिए, लोगों ने उठना चाहिए थोड़ा सा ऊपर कि मतलब हमने वोट दिया है इधर चाट में, जो मतलब इधर को हरियाणा रोहतक है, जो बोल दें बड़े बड़े मंत्री थे, हाँ भाई ये काम होना चाहिए हमारा, शाम तक होना चाहिए, घर पहुँच जाएँ। यहाँ कहीं तो कहकर दिखा दे ऐसे, अगर कोई छोटे मोटे नेता भी आएगा, आओ जी बाबू जी बैठो जी, बिस्लरी को पानी लाएंगे, तरह तरह की मिठाई लाएंगे, उनकी भाता इनकी सेवा करेंगे, काम करनी है हाँ जी कर देंगे, हो जाएगा। एक दो अपने गिने आदमी है उनको काम है जाए, जनता डोले करो जी। तो लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई या थोड़ी सी बात उठो कि हम दो दिन किसी को खा लेंगे, किसी को रह लेंगे, तो उनसे पूर्ति नहीं पड़ेगी। ऐसा काम करो जाते जनता भी याद रखे और नेता भी याद रखे, बोले हाँ हमारे पीछे तो जनता है। तो यू लोगों की अवधारणा थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए मेरे विचार से। बहुत ही अच्छे विचार हैं अजीत मास्टर जी के। अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा आपसे, सरकारी स्कीमों में राजनीति के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? जो सरकारी स्कीम होती हैं कई लोग उनके ऊपर राजनीति कर जाते हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? सरकारी स्कीमों में अब ये मच्छरदानी पट्टी थी, ये सरकारी स्कीम थी, इन पर राजनीति खूब करी है लोगों ने, तो जनता से मैं कहना चाहता हूँ इनको श्रेय नहीं दें, क्योंकि सरकारी स्कीम है, ये आपको डायरेक्ट मिल सकती हैं। दूसरी बात, ये कोई कहता भाई जो जनता अनपढ़ जनता होती है ना, जनता कई तरीका की होती है, जो समझदार लोग हैं वो तो अपना काम खुद करवाते हैं, जैसे आधार कार्ड में करेक्शन होना है कोई बड़ी बात तो नहीं है, जाके करा लेते हैं। इसको भी जो हमारे उम्मीदवार हैं, भावी सरपंच पार्षद कोई भी है एनी बड़ी, तो वो कहते हैं मैं इसको कराता हूँ, तो झट उसका सिरे उसे चला जाता है। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये कोई बड़े काम, ये सरकारी काम है, आप खुद जाकर करा सकते हैं इनको, इनके लिए इन पर एहसान मत रखो। सही बात है। और अधिकारियों की कार्यशैली पर आपकी कोई राय है? अधिकारियों की कार्यशैली पर राय जी मेरी यही है, जैसा कि सभी को पता है हमारे गाँव में 20 मेंबर हैं और फिलहाल सरपंच टर्मिनेट है, 11 मेंबर चाहिए सरपंच बनने के लिए। होटल में वीडियो बैठता है, होटल वीडियो के पास 11 मेंबरों का एक जुट होकर गए थे अपनी दावेदारी दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ वीडियो उपस्थित नहीं थे। चलो मान लो किसी कारण कोई काम लग गया, वो नहीं आए। दूसरी बार गए, बीमार पड़ गया। मैं ठीक है भाई, बीमारी ऐसे कह के थोड़ी आती है, बीमारी लग सकती है किसी को, ठीक है। तीसरी बार गए, फिर नहीं। चौथी बार गए, ये अकस्मात नहीं होता, ये जान पूछ कर राजनीतिक दबाव डालकर उसे वहाँ से बैठाया नहीं जा रहा। तो मैं ही कह रहा हूँ, ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे हमारे गांव की तरक्की रुक रही है। ये लोग समझ रहे हैं मतलब हमें राजनीतिक दबाव के कारण बैठने नहीं दे रहे, पर ये नहीं समझ रहे आने वाले समय में जनता भी तुमको देख सकेगी इसके कारण। लोगों के दिल में है ये बातें और इसका भरपूर जवाब देगी। सही बात। अगला प्रश्न है, आपके गांव में हॉस्पिटल है या नहीं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या नहीं सोंद गांव में? हॉस्पिटल है जी सोंद में। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? बस हॉस्पिटल के बारे में ये कहना चाहते हैं जी, ना के समान ही हॉस्पिटल वो। अच्छा जी। उसमें कोई सुविधा नहीं है, आप एक्सरे वगैरह करवाने जाएंगे, कोई मशीनें नहीं है। सुनने में ऐसा भी आया था एक बार मशीन आई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव, वो कोई कहता बल उसका नाम हो जाएगा मशीन आएगी, कोई कहता उसका नहीं होना चाहिए, वो वापस वहाँ से भिजवा दी। अच्छा, अच्छा। होटल के लिए। अच्छा। मेरे सुनने में आया जो, तो ये यहाँ कोई सुविधा नहीं है, नहीं यहाँ डिलीवरी हो सकती बच्चे की, जच्चा बच्चे की, ऐसी कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है। हाँ जी। तो साथियों, कई बार ये होता है कि आपके गाँव में हॉस्पिटल है,
बहुत सारे गांव में हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन वहां की जनता जब बीमार पड़ती है तो वो उन गांव के हॉस्पिटल में नहीं जाती है, वो जाते हैं शहर के हॉस्पिटलों में और शहर में प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपना नुकसान करवा आते हैं। ये खामियां क्यों हैं, किस लिए ये खामियां हैं? तो साथियों, ये खामियां इसीलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें ना कोई सुविधा होगी, ना कोई उसमें कोई डॉक्टर होंगे। तो ये खामियां डॉक्टरों की हैं। ये खामियां किस पे सवाल खड़ा करती हैं? ये खामियां सवाल खड़ा करती हैं सरकार की कार्यशैली पर और डॉक्टरों और डॉक्टरों की जो टीम होती है हॉस्पिटल के अंदर उनकी कार्यशैली पर ये खामियां खड़ी होती हैं। यानी कि उनकी अगर अपनी कार्यशैली अच्छी होगी तो लोगों का विश्वास उनके ऊपर जमेगा। अगर डॉक्टरों की और जो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है उनकी कार्यशैली अगर अच्छी नहीं होगी तो उनका जो विश्वास है, जो गांव वालों का विश्वास है, वो उन पर नहीं टिकेगा। इसी तरह से सरकार का है, कभी किसी हॉस्पिटल में कोई सामान होता है, कभी कोई सामान नहीं होता है। तो हॉस्पिटलों में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं, सामान की कमियां हैं, डॉक्टरों की कमियां हैं, और किसी में डॉक्टर अगर है भी तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी देने की बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा ड्यूटी देता है। इसीलिए क्या होता है, जनता का विश्वास उन हॉस्पिटलों से उठा पड़ा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी कार्यशैली को सुधारा जाए जिससे कि जनता का विश्वास आपके ऊपर बढ़े और जनता सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आ सके। क्योंकि कई बार देखा जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ नहीं होती हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो अपना कार्य ढंग से नहीं करते। ठीक होना मिले वो जी, अभी हमारे गाँव में एक लड़का मन मोई ये कुत्ता खा हुआ जी, कुछ दिन पहले तो मैं गया नहीं करे भाई, पलवल जाना पड़े, वो हमें एक रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए पलवल जाना पड़ रहा हुआ जी, तुम्हें बता और फैसिलिटी क्या मिलेंगी इसमें? और, भी कारण हाँ, है जी। हाँ जी, रेबीज का इंजेक्शन बोल रहे ना आप? हाँ जी, वो सब रहा उपलब्ध है, होटल भी उपलब्ध, लेकिन आम आदमी को नहीं दिया जाता। जिनके जुगाड़ है डॉक्टरों से ऑन द स्पॉट उपलब्ध उनके लिए। अच्छा अच्छा, फोन पे बुक हो जाते हैं जिनकी जानकारी, बस आम आदमी है, गरीब जनता उससे कोई नहीं पूछता कहीं भी, देख दर दर की ठोकर खाने पड़ती है। ये अधिकारियों की कमी है। सर मैंने बाहर से लिया था ये इंजेक्शन, प्राइवेट आप मेडिकल से ले सकते हैं? मेडिकल से मैंने इंजेक्शन लिया था, उसको लेके मैं गया था जब उसने मतलब मेरा इंजेक्शन लगाया था। ठीक है, तो मतलब मैं जनता से क्या मतलब सुनाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से थोड़ा बहुत जागरूक हो, अपने मेंबर सरपंच को एकत्र कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और एक बार अपने जो हॉस्पिटल है और जो जो सार्वजनिक स्थान है उन पर मतलब गौर की जाए कि हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, हमारे गांव के सरकारी स्कूल हैं उनमें कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चे क्यों भाग रहे हैं, क्यों कम पढ़ रहे हैं, या हमारे जो गांव के सरकारी स्कूल हैं उसमें क्या मतलब हॉस्पिटल हैं, क्यों नहीं फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है। तो ऐसी जनता सोचना चाहिए, जानना चाहिए हम। तो जैक जुगाड़ से अगर दवाइयाँ भी जैक जुगाड़ से मिलने लगी तो आम जनता के दुख और दर्द को कौन सही करेगा? और जबकि ये लोकतांत्रिक है, आम जनता का दुख और दर्द पहले सही होना चाहिए। अगर हर काम जैक जुगाड़ से होने लगे मास्टर जी, तो फिर क्या फ़ायदा इस सिस्टम का, क्या फ़ायदा राजनीति का, क्या फ़ायदा इस अर्थव्यवस्था का, देश की अर्थव्यवस्था का और देश के पूरे सिस्टम का, पूरे जुगाड़ का? अगर जैक से ही काम होने लगे तो फिर क्या ज़रूरत है सरकार की और क्या ज़रूरत है बड़े बड़े अधिकारियों की? किस लिए अधिकारियों को बैठाया जाता है? जिससे कि वो समाज का और जनता का नेतृत्व कर सकें, जो गरीब जनता है उसको आगे लाएं। इसीलिए अधिकारियों को और पंच सरपंचों को और नेताओं को आगे बनाया जाता है। अगर वो लोग समाज के ऊपर ऐसे ना रहें तो जो धींगरा है उसी का काम होगा, जो पोच है डरपोक है उसका काम नहीं होगा। तो इन दोनों को बराबर यानी कि लेवल में लाने के लिए ही पंच सरपंचों को चुना जाता है, अधिकारियों को चुना जाता है, जिससे कि समाज एक लेवल पर चले, समाज में समानता हो, गरीब और अमीर समान हो। इसीलिए पंच सरपंच और अधिकारियों को नेताओं को चुना जाता है। अगर फिर भी ये लोग अपना काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे गलती आम जनता की नहीं है। आम जनता तो अपनी शिकायत लेकर आएगी ही। यहाँ पे सुधार करना है मंत्रियों को, पंच सरपंचों को और अधिकारियों को। तो आज ये प्रोग्राम था जनता की शिकायत प्रोग्राम था। इसमें शिकायत रखी थी नरेंद्र भाई साहब, जो कि नरेंद्र आसिया नाम लगाते हैं अपने नाम के पीछे, उन्होंने अपनी शिकायत यहाँ पे रखी थी। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और नरेंद्र भाई साहब जी, आप अंत में कुछ कहना चाहते हो जनता से या पंच सरपंचों से और नेताओं से? मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से, अपना काम स्वयं करें, जो सरकारी स्कीमों के तहत आते हैं इन पर अपने एहसान नहीं करें, क्योंकि इनका क्या है तो वोटों के चक्कर में आपके भाईचारे को बिगाड़ देते हैं,
और सबसे बड़ी राजनीतिक खींच ये मेरा आदमी है वो मेरा, एक समान दृष्टि से देखते नहीं है ये। सारी बातें ये सारी राजनीति की हैं, पार्टीबाजी चलती है। लोग कहते हैं बल भाई सब धर्मों को समाज को एक प्रकार से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने जो लोग हैं उनके लिए तैयार रहते हैं वो, और विपक्ष के लिए बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट जनता की शिकायत प्रोग्राम हम फिर से लेकर आएंगे नए आदमी के साथ और नए भाई के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए साथियों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जयलाल दास बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद।